दोस्तों नमस्कार, मैं अनंत ज्ञानबोटे ट्रेडिंग टीचर में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम इक्विटी के बारे में देखने वाले हैं और इक्विटी मार्केट जो है उसमें कैसे हम शॉर्ट टर्म होल्डिंग करके और स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करें कि शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए कौन से स्टॉक अच्छे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए हमें ओनली बाय के ट्रेड ढूंढने पड़ते हैं जो हम कैश मार्केट में ढूंढ कर उसमें होल्डिंग कर सकते हैं। तो NSE, BSE और इक्विटी मार्केट को आपको होल्डिंग करके कैसे हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे टारगेट कैलकुलेट करें, ये हम आगे बताने वाले हैं ट्रेनिंग में। तो आज का डेट है 5/5/2018 और उस टाइम पे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हमें शॉर्ट टर्म स्टॉक्स के लिए कैसे काम करना है ये मैं बताने वाला हूँ। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है, अभी इस ऑडियो में थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैं छत पर हूँ और यहाँ पे हवा का ज़ोरदार स्पीड है, तो आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप अच्छे से सुने इसको। हमें investing.com का एंड्रॉयड ऐप का इस्तेमाल करना है, उसमें एक नया फीचर है स्टॉक स्क्रीनर बोल के, उसमें आपको जाना है और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा वो अभी आगे आने वाले कुछ मिनटों में। और RSI का हमें स्टॉक का स्क्रीनिंग उसमें करना है, जिस स्टॉक का RSI 50 और 60 के बीच में है ऐसे स्टॉक्स हमें फाइंड करने हैं। तो वो स्टॉक्स आपको आई थिंक Nifty 50 या फिर Nifty 100 वाले जो स्टॉक है उसी पे हमें काम करना है और उसका चार्ट्स देखकर हमें काम करना है। अगर आपको चार्ट नहीं देखना आता है, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स आपको पहचानने आते हैं थोड़े बहुत, तो आप उसमें अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पहचानने नहीं आते तो आपको अपना मेरा जो चैनल है उसमें कैंडलस्टिक का पूरा प्लेलिस्ट है, हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों लैंग्वेजेस में है, तो आपको जो लैंग्वेज पसंद आए उस लैंग्वेज में आप सुन सकते हैं उसको। आई थिंक उस सीरीज़ में 10 से 15 वीडियोस हैं कैंडलस्टिक के और बहुत ही लोगों ने उसको देखकर उसमें अच्छे कॉमेंट्स भी लिखे हैं और उनको उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको भी वो समझ में आ जाएगा और आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट ही मुझे एनकरेज करते हैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और किसी को ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो ट्रेनिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेस टू फेस में ट्रेनिंग देता हूँ लोगों से मिलकर, उनके घर में जाकर, ऑफिस में जाकर। अपना जो trainingteacher.in का वेबसाइट है वहाँ पर एक ट्रेनिंग का लिंक है, ट्रेनिंग का पेज है, वहाँ पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको investing.com के ऐप में जाकर स्टॉक स्क्रीनर निकालना है, स्टॉक स्क्रीनर, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है पहले। तो आपको उसमें जाकर RSI सिलेक्ट करना है, आपको उसमें जाकर सिलेक्ट करना है RSI और उसका जो रेंज है वो 50 से लेकर 60 तक रखना है। तो ये जो स्टॉक है ये पूरे अपट्रेंड वाले स्टॉक होते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर जाने वाले, ठीक है। तो जो स्टॉक ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है डेली चार्ट के अनुसार, तो आपको उसको रिट्रेसमेंट पे बाई करना है और अच्छा कैंडलस्टिक का जो पैटर्न याद रखना, अगर आपको मिलता है उस टाइम पर तब आपको बाई करना है, ठीक है। तो जिस स्टॉक का सपोर्ट टूट कर नीचे आया है उसका भी RSI 50 और 60 के बीच में रह सकता है, तो उसको आपको गलती से भी बाई नहीं करना है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर पूरा क्लियरली देखने के लिए आपको शायद ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो स्टॉक ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है और इसका सपोर्ट अगर टूटा है तो आपको स्टॉक को बाय नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ लाइव प्रैक्टिकल में जाकर। यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर्स भी दिए हैं ऊपर, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। इक्विटी के लिए अलग ट्रेनिंग और कमोडिटी के लिए अलग ट्रेनिंग है, उसके जो अलग अलग पैकेजेस हैं उसके चार्जेस भी वेबसाइट पर मेंशन है, ठीक है। तो मैं आपको चार्ट में लेकर जा रहा हूँ, अभी पेशेंट रहिएगा 2 मिनट के लिए। तो हम investing.com के ऐप में आ चुके हैं दोस्तों और अभी 4 मिनट 4.5 मिनट हो चुके हैं वीडियो को स्टार्ट हुए, तो इतना भी बड़ा वीडियो नहीं बनेगा ये, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। ये ऐड ओपन हो गया है और यहाँ पर कुछ इंडेक्सेस ओपन हुए हैं। तो ये इंडेक्सेस जो है Nifty 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, इंडिया विक्स, ये वोलेटाइल इंडेक्स है, Dow 30, S&P 500, ये अमेरिका के इंडेक्सेस हैं। यहाँ पर फ्यूचर के भी है, शेयर्स के भी है, ऊपर यहाँ पर इंडेक्सेस फ्यूचर्स हैं, कमोडिटीज़ वगैरह वगैरह सब कुछ है, करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो
मैं बात कर रहा हूँ आपको स्टॉक स्क्रीनर की। हमें स्टॉक स्क्रीनर पे जाने के लिए ये जो तीन लाइंस दिख रही है यहाँ पर, इसको क्लिक करना है। तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ ऊपर। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आपको टूल्स के सेक्शन में स्टॉक स्क्रीनर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको क्लिक करना है, स्टॉक स्क्रीनर को। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक्सचेंज सिलेक्ट करना है। कंट्री तो इंडिया है ही, अगर आप आउट ऑफ कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो आपको कौन सा भी कंट्री चाहिए, अगर आप अमेरिका में ट्रेड करते हैं, आप कैलिफोर्निया में ट्रेड करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड करते हैं, जर्मनी, तो आप उसके हिसाब से कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करेंगे, और एक्सचेंज जो है यहाँ पर NSE और BSE दो एक्सचेंज है, और BSE में टोटल 3,819 कंपनियाँ हैं और NSE में 1,835 कंपनियाँ हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर NSE सिलेक्ट करेंगे अभी, या फिर हम ऑल सेक्टर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें सेक्टर वाइज भी आप कर सकते हैं और ऑल एक्सचेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं भी यहाँ पे ऑल एक्सचेंज करता हूँ। तो सेक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देखने को मिल सकते हैं, बेसिक मटेरियल, कैपिटल गुड्स, बैंक्स वगैरह वगैरह, एनर्जी वगैरह वगैरह, बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको जो सेक्टर में काम करना है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टॉक के लिए ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐड क्राइटेरिया करना है आपको, बहुत सारे क्राइटेरियाज अवेलेबल है, मतलब कंडीशंस क्या है। जो मैंने आपको कंडीशन बताया वो RSI का कंडीशन है, टेक्निकल इंडिकेटर्स के अंदर है। आप जस्ट यहाँ पर RSI टाइप करिए तो RSI 14/1 day आपको दिख जाएगा, मतलब ये एक दिन का कैंडल के हिसाब से आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर RSI 14 को मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसको क्लिक करने के बाद ये रेंज आपको पूछेगा, तो आपको मिनिमम रेंज रखना है इसको 50। तो यहाँ पर मैंने इसको 50 किया है तो 51 ही आ रही है, और इसको मैं 60 कर रहा हूँ। 60 इसको करना है हमें 50। ये 50 का लेवल नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पर हम 51 कर देते हैं, और इसके जो मैचेस फाइंड हुए हैं ये आपको दिखाएगा, 965 मैचेस फाउंड। तो डन पे क्लिक करिए और बैक जाइए आप, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि RSI का सिलेक्ट हो गया है 51 से लेकर 60 तक, ठीक है 60 तक। तो यहाँ पर शो रिजल्ट का बटन है नीचे एलोसेटेड में, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो स्क्रीनर के रिजल्ट से आपको दिखा रहा है। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज 953.90 पे है, जो लाल कलर में है। हिंदुस्तान लीवर, बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो जिसका RSI 51 से लेकर 60 के बीच में है वो यहाँ पर है। तो हमें इसका अपट्रेंड वाला स्टॉक ढूंढना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको आपको ढूंढना है, ठीक है, डेली के हिसाब से। तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज BSE पे क्लिक कर रहा हूँ, जो पहला स्टॉक है हमारा। इसको आप चार्ट खोलिए इसका, तो ये देखिए अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल पे ये स्टॉक आया है, और इसका बाइंग रेंज भी करेंटली बहुत अच्छा है। तो ये स्टॉक अभी सपोर्ट नहीं टूटा है, इसका सपोर्ट पे आया था और ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो आप इसको बाई कर सकते हैं, और इसका जो टारगेट है आपको, ये टारगेट आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। और अभी तो डाउन ट्रेंड नहीं दिखा रहा है पूरा का पूरा, और आपको छोटा स्टॉप लॉस आप इसको लगा सकते हैं। तो इसका स्टॉप लॉस आपका जो आएगा बाइंग के लिए, तो यहाँ पर आपको ओपन और लो के वैल्यू दिख रहे हैं। तो इस कैंडल का जो लो है 964 का है, हाई 964 का है, और जो लो है 949 का है, ठीक है। तो ये लो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है 949 का। तो अभी 949 से लेकर आई थिंक 4 या 5 पॉइंट ऊपर है लो से लेकर, तो उतना या फिर 945 का स्टॉप लॉस आप लगा कर इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के दौरान आप इसको बाई करें, और आप होल्डिंग की कैपेसिटी रखिए इसको। तो ये स्टॉक रिलायंस एक अच्छा इंडस्ट्री है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, तो देखते हैं होता क्या है। अभी तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो हम दूसरा चार्ट ले लेते हैं। जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो एकदम बढ़िया रहता है,
ये चार्ट खुल रहा है अभी यहाँ पे, इसका चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए। तो इसका सपोर्ट टूट गया है, तो इसको बाय करने में मतलब नहीं है। हालांकि एक दिन खुला था वो अच्छे से, लेकिन इसका सपोर्ट तो टूट चुका है। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था, इसका सपोर्ट टूट चुका है, तो इसमें बाय करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए, और ये गिर सकता है स्टॉक नीचे की ओर, क्योंकि इसका सपोर्ट डाउन साइड में क्लोज दिया है इसने, और वो टेस्ट भी हो गया, तो जो सपोर्ट ढूंढा जाएगा वो इस लेवल का सपोर्ट ढूंढा जाएगा। तो इसमें ट्रेड ना करने से अच्छा है, ठीक है। और इसका आप वीकली पैटर्न भी ढूंढ सकते हैं इसको, अगर आपको फिर से देखना है तो। डेली पर आया है अभी, और डेली पर भी कैंडल अच्छा नहीं है, ये एक पिन बार वाला जैसा कैंडल दिख रहा है, और डोजी भी इसके पहले आया था, और डोजी का हाई भी टूट चुका है और लो भी टूट चुका है, तो इस स्टॉक में ट्रेड करना या फिर होल्ड करना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो दूसरा ढूंढते हैं हम, इंफोसिस ले लेते हैं। तो इंफोसिस में अच्छा कैंडल बना है बाइंग साइड वाला, मतलब यहाँ पर जो मार्केट पुश हुआ, यहाँ तक पुश हुआ, आई थिंक इसका जो लो बताया है 1155 का, और वहाँ से वो स्टॉक ऊपर की ओर चल पड़ा है, और उसी दिन आई थिंक हाई टू लो का मूवमेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 25-30 पॉइंट का इसने अच्छा मूवमेंट दिया है, और ये 2% का मूवमेंट हो सकता है इसमें। तो ये कैंडल जो बना है वो इतना भी बेरिश कैंडल नहीं है, और ये एक अच्छा कैंडल है, और इसमें हम बाई कर सकते हैं। इस कैंडल का जो मीनिंग है, तो बहुत स्टॉक नीचे तो आया था, लेकिन आई थिंक इस कैंडल के बॉडी के अनुसार 60% इसमें बायर्स मौजूद है अभी भी। तो आपको जो छोटा सा स्टॉप लॉस कैलकुलेट करिए अपने हिसाब से, तो स्टॉप लॉस आता है इस लो के नीचे, लेकिन हम इसको हावरली में देखेंगे, तो छोटा स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो हावरली का चार्ट अभी ओपन हो रहा है, तो डेली के अनुसार जो स्टॉप लॉस आ रहा था 1149 का था शायद, 1149 राइट, 1155 का दिखा रहा है, और आवरली के हिसाब से कितना स्टॉप लॉस आता है हम देखेंगे इसको। तो आवरली के हिसाब से इसका जो स्टॉप लॉस है, इसी कैंडल के नीचे आप इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो आवरली कैंडल के हिसाब से 65 या फिर 64 का स्टॉप लॉस भी आप इसको लगाकर होल्ड कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हम ये टारगेट भी इसको देख सकते हैं, तो या फिर ये भी टारगेट हम देख सकते हैं पहले। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप होल्ड कर सकते हैं इसको, 1180 या फिर 1190 तक ये स्टॉक जा सकता है, या फिर 1200 तक भी जा सकता है। तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा दोस्तों। तो कुछ अच्छा स्टॉक मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो टेक्निक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको मैं अभी लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो HDFC स्टैंडर्ड बोल के एक स्टॉक है NSE में, तो इसको देखते हैं हम, अच्छी कंपनी है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अभी ये स्टॉक अच्छा अप ट्रेंड में है, और सपोर्ट पे आकर रुका है, और सपोर्ट लिया है इसने अच्छे से, और सपोर्ट के ऊपर क्लोज दिया है। तो ये जो पूरा लेवल था, ये पूरा आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा कंसोलिडेट हुआ है स्टॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और ऊपर ब्रेकआउट देके फिर नीचे ब्रेकआउट दिया, और अपना जो हिसाब से इस स्टॉक ने सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है आई थिंक ऐसे। तो और ये जो सपोर्ट है ट्रेंड लाइन के अनुसार सपोर्ट के ऊपर क्लोज दिया है, तो ये जो रेंज है, तो ये रेंज थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो आपको अगर इसमें होल्ड करना है तो आप इसको, ये जो नीचे वाला स्टॉप लॉस है छोटा सा मतलब वो स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, तो आप 495 या फिर 494 इस लेवल अगर आपको मिलते हैं तो बाई करिए और होल्ड करिए, और स्टॉप लॉस इसको लगाना है 488 का,
छोटा सा स्टॉप लॉस आप इसको लगाइए और होल्ड करिए दोस्तों। तो जस्ट एक सिंपल टेक्निक मैंने शेयर किया है, तो आपको अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ में इस पर काम करना है। तो आप इसको अलग अलग क्राइटेरियाज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि MACD का जो वैल्यू है तो वो 2 से ऊपर हो या फिर 3 से ऊपर हो, तो ये भी वैल्यू आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत हो गया, 21 दिखा रहा है। जिस स्टॉक का वैल्यू 126 या फिर जो 10 में हो, ये भी आपको ये दिखा देगा। तो MACD और RSI दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने ये दिखाया है, तो रिज़ल्ट दिखा रहा है 85 स्टॉक्स अवेलेबल है। शो रिज़ल्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जो कंपनियाँ हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर फिर से आ गया, बंधन बैंक और यूनाइटेड स्पिरिट्स और एकल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, यूनाइटेड ब्रूवरीज, बहुत सारे 85 स्टॉक्स है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा फंडामेंटली इसको देखना पड़ेगा कि ये कौन कौन से कंपनियां हैं, क्या करती हैं। तो अच्छी कंपनियां का नाम जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर है वगैरह वगैरह, तो इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा ट्रेडिंग टेक्निक है ये। श्रीराम ट्रांसपोर्ट का भी हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है और सपोर्ट के नीचे क्लोज भी हुआ था, लेकिन फिर से ऊपर जा रहा है स्टॉक। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अभी भी बायर्स मौजूद हैं, तो आने वाले दिनों में 1700-1600 के लेवल पे इसमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये जो लाइन है इसको आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक ये स्टॉक टच कर सकता है, और आपको जो SL लगाना है, तो ये SL एक्चुअल में होल्डिंग का SL आता है यहाँ पर 1500 के आसपास। तो ये 100 पॉइंट का SL बहुत बड़ा है, तो इसको हम हावरली में देखेंगे। हावरली में एक छोटा सा SL हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हावरली में SL जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा यहाँ पर इस कैंडल के लो पे, तो ये बन गया 1575, और 1570 का स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं, 30 पॉइंट या फिर 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह आपको चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।